हम बात करने वाले हैं कि गोब की हालत में जब हमारे धान पहुंच जाते हैं तब हमें यूरिया इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि धान की हमारी दो स्टेजेस होती हैं, दो मराहल होते हैं। पहले को हम कहते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ और दूसरी को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज। वेजिटेटिव में ये होता है कि जो हमारा धान का पौधा है ना, ये अपना कद पूरा करता है। कद पूरा करने के बाद फिर इसके पैदावार, इसकी जो ज़िंदगी है, इसका दूसरा मरहला स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज। उसमें क्या करता है कि ये सिट्टा बनाता है, इसका सिट्टा बनता है जिसको हम कहते हैं कि जो हमारा धान का पौधा है ना वो गोब की हालत में आ चुका है। जो हमने इसके ऊपर DAP इस्तेमाल करनी है, हमने इसके ऊपर जो यूरिया इस्तेमाल करनी है, ग्वारा इस्तेमाल करना है, सल्फर करना है या जिंक करना है, ये हमने इसके ज़िंदगी के पहले मरला जिसमें इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होता है ना उसके अंदर हमने पूरा कर देना। वेजिटेटिव ग्रोथ होता है किसी भी धान की जो वैरायटी है उसका आधी ज़िंदगी। अगर हम किसान बासमती की बात करते हैं तो इसका अगर 90 दिन की वैरायटी है तो 45 से 50 दिन के अंदर हमने इसकी जो फर्टिलाइज़र है ना वो पूरी करनी है। 45 के 40 दिन के बाद इसने क्या करना, अपना रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो है ना दूसरे फेज़ में मुंतकिल हो जाना, मीन कि गोब की हालत में चला जाएगा। गोब की हालत कहते हैं कि जब ये एक पौधा जो है इसकी नाली के अंदर सिट्टा बनना शुरू हो जाता है उसको हम कहते हैं गोब की हालत। तो तब हमने इसके ऊपर यूरिया अप्लाई नहीं करने, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमने हमारे जो कद पौधों का कद है वो छोटा रह गया, हम बाद में भी यूरिया इस्तेमाल करते हैं, 60 दिन के भी ऊपर वो यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो पौधा दूसरे मरहले में शिफ्ट हुआ होता है वो वापस पहले मतलब कि अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ में शिफ्ट हो जाता है। जो उसने जो जोर उसने उस टाइम सिट्टा बनाने पे लगाना है, अपने दाने की ग्रोथ पे लगाना है, वो क्या करता है यूरिया इस्तेमाल करने से वो क्या चलेगा, दोबारा अपने कद की तरफ बढ़ोतरी शुरू कर देता है। इसलिए आपको गोब की हालत तक पहुंचने से पहले पहले अपनी किसी भी धान की वैरायटी की आधी ज़िंदगी तक अपनी जो यूरिया है DAP जिंक सल्फर कंप्लीट कर लें। इसके बाद जब आप गोब की हालत में आपके धान की वैरायटी पहुंच जाती है तब आप यूरिया इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको फिर भी लग रहा है आपकी कद छोटा है आपके धान का, या फिर आपका आपको वो इतने नहीं अच्छे लग रहे, तो आप इसके ऊपर माइनो एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने यूरिया इस्तेमाल नहीं करनी। इससे आपका कद तो बड़ा हो जाएगा लेकिन आपके जो सिट्टे के दाना है या सिट्टे का जो साइज़ है वो छोटा रह जाएगा, इस तरह आपको पैदावार में नुकसान हो सकता है। जी शुक्रिया।